mixified bird and what are you looking for? Are you looking for English chapter 1 of Footprints Without Feet of class 10? Wait, you are at the right destination. So today I am going to explain chapter 1 of mixified bird, that is Adult for Surgery, okay? And it is written by James Herriot. So what is the meaning of a trumph? Trumph means to win or to succeed in a plan or kisi cheez pe vijay pana, okay? So if we talk about characters, then there are only four characters in it. James Herriot, who is a veterinary surgeon, Mrs. Humphrey, who is a rich lady and dog's mistress, Pretty is a dog here, and Hotskin is this Mrs. Humphrey's gardener, okay? So I am taking para by para summary so that you can understand better. And if you like, then comment on my channel on the comment box, okay? So I am taking the summary right now. So chapter 1 of Footprints Without Feet, a trumph of surgery. I was really worried about Pretty this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a blotted sausage with a light at each corner. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. So who is the I here? I is James Herriot here, okay? James Herriot is the narrator as well as writer of the story. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इस टाइम ट्रिकी के बारे में बहुत परेशान हो गया था. क्यों परेशान हो गए थे? क्योंकि ट्रिकी बहुत ही फिट हो गया था, बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, और वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ आया था. तो वो उसे देख के बहुत बरीड हो गए थे और उसके ईच कॉर्नर पे लेग थे, फोर लेग्स थे, और उसके आईज जो थी बिल्कुल ब्लड शॉट की तरह थी, गुस्से वाली थी. एंड वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ आया था. मिसेस हम्फ्री हैस्टन टू एक्सक्लेम ही वाज सो लिस्टलेस. मिस्टर हैरियट सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा स्लीपिंग मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच डियर. तो मिसेस कम्फ्री क्या करती हैं, मिसेस कम्फ्री बहुत जल्दी से कोई भी क्वेश्चन बिना पूछे मिस्टर हैरियट को एक्सप्लेन कर जाने लगती हैं कि मुझे लगा ये खुश नहीं रहता है, ये बिल्कुल भी कुछ अच्छे से करता नहीं है, तो मुझे लगा ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो मैं इसको मील्स के बीच में भी थोड़ा थोड़ा खाने पीने को देती रहती हूँ, जैसे कि मैट कॉड लिवर ऑयल या फिर हॉर्लिक्स पैक में देती हूँ, जिससे कि यह आराम से सो सके, और ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ. एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मिस्टर हैरियट पूछते हैं, क्या आपने स्वीट थिंग्स पे ध्यान दिया, स्वीट थिंग्स काटी मील से? तो वो क्या बोलती हैं, आगे देखते हैं. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक सो दैट आई हैड टू रिलेंट, कि मैंने किया था लेकिन ये बहुत वीक लग रहा था जिससे कि मुझे ये सब छोड़ना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम. उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स खाने में बहुत पसंद है, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल. इट इज ओनली फॉर पास ग्रीड. ही हैड नेवर बीन सो known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered how all things Mrs. Humphrey hadn't mentioned. तो मिस्टर हैरियट ने एक बार फिर से उस डॉग को देखा, उस नन्हे से डॉग को देखा, फिर वो क्या करने लगे. उनका मानना ये था कि क्रिकी का फॉल्ट सिर्फ एक है, जो कि है ग्रीड, जो लालच है. वो बहुत ही ज़्यादा लालची है. वो दिन के किसी भी घंटे या रात के किसी भी घंटे में कोई भी मील उसे खिला सकता है. एंड क्या था कि मिसेस कम्फ्री जो चीज़ें छुपा रही थी, जो वो ट्रिकी को देती थी, उसके बारे में वो सोच रहे थे, वो वॉन्डर कर रहे थे. आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर हैरियट टू मिसेस कम्फ्री. आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. Well, he has his little box with me, as you can see, but Hotskin, the gardener, had been down with lumbago
सो देयर हैज बीन नो रेन फॉर इन डेली लेकिन सो वो क्या कहते हैं वेल बॉक्स तो होती रहती है मेरे साथ जैसा कि आपने देखा, लेकिन हॉट स्किन जो हमारा गार्डनर है वो उसको कोई बीमारी हो गई है तो वो तो रिंगथ्रोइंग देखली रिंगथ्रोइंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो यूजुअली आपने देखा होगा मूवीज में या फिर अपने रियल लाइफ में उनको रिंग थ्रो करते हैं और वो वापस लेके आते हैं जिससे उनकी एक्सरसाइज हो जाती है. ओके तो दैट इज वॉट रिंगथ्रोइंग इज. And thank you. This was the first page of our print of surgery, and next pages will be covered in next videos. And if you like my video, then like, share, and subscribe. Thank you very much.